अर्जुन क्या कर रहे हो? ओ बेटा जी, नहीं पहले बताओ कर क्या रहे हो? वही आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? कपड़े क्यों रखे हुए हैं इतने सारे? मतलब कहीं जा रहे हो तुम? यस, कहाँ पे? हिमाचल? मैं जा रहा हूँ हिमाचल। हिमाचल में कहाँ? ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? बताना चाहिए ना। ना और सुनो, तुम कपड़े कितने लेके जा रहे हो पैक करने के लिए? मैं बस इतने से ही कपड़े हैं तुम्हारे? और कितने चाहिए? तुम्हें पता है अर्जुन मैं पैक करूंगी ना, तो तुमने तो बस ये दो कपड़े वहां रखे हैं, तीन यहाँ रखे हैं, दो जीन्स यहाँ, बस हो गया। जब मैं अपना पैक करूंगी तो मेरा पूरा ऐसे बेड भर जाएगा। तुम्हें पता फिर है मैं आपको लेके नहीं जाएंगे, फिर क्यों नहीं लेके आपको जाएंगे? छोड़ हाँ, देंगे। छोड़ देंगे। और ये मेरे कपड़े हैं अर्जुन। यार मेरे भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतने ही हैं। हाँ ये इतना ही मेरा ले रहा है। पर्स और वो मेरा कुछ यूज का सामान, और ये मेरा लैपटॉप बैग, और बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा है ये? ना ना हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगनी चौहान। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैं और अर्जुन कल रात को देर रात तक पैकिंग कर रहे थे। यस, तो आज हम जा रहे हैं, अभी है वेंसडे, ठीक है, सुबह के 5 बज रहे हैं, और मैं और अर्जुन जा रहे हैं डलहौजी। तो ये शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप है जहाँ हम दोनों अकेले जा रहे हैं साथ में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, छुट्टी तो नहीं है ऑफिस से, है ना, क्योंकि एक साथ इतनी छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं। तो आज है वेंसडे, तो वेंसडे थर्सडे में और अर्जुन को ऑफिस रहेगा, तो हम वहाँ जाके काम करेंगे, दैट इज़ वर्क फ्रॉम माउंटेन। शाम को देखेंगे अगर थोड़ा बहुत वहाँ कहीं घूम पाए तो। और मैं डलहौजी पहली बार जा रही हूँ, अर्जुन बहुत बार जा चुका है, बिकॉज यहाँ से गुरदासपुर से डलहौजी इज़ लाइक ओनली मतलब 3 आवर्स लगते हैं, है ना। तो वो तो बहुत बार जा चुका है क्योंकि इतने घर के पास है, फैमिली के साथ, कॉलेज की तरफ से, बट मैं पहली बार जा रही हूँ। बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, ही टोल्ड मी, और मैंने सुना भी है, देखा भी है। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, ही इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। तो अभी बस कुछ नहीं कि बस मैं नहा ली हूँ एंड ब्रेकफास्ट करके थोड़ा कुछ चाय वाय पी के, जो कि बहुत मैंडेटरी है। फिर अर्जुन गाड़ी लेने जाएगा तो ड्राइव करके जाएंगे हम। सो विदाउट एंड या एंड आई एम श्योर कि जो मसूरी वाला जो ब्लॉग था उसमें बहुत ही नए नए एक्सपीरियंसेस हुए थे हमें, एंड अभी यहाँ का नहीं पता कि कैसे क्या होने वाला है, बट जो जो होगा अच्छा होगा, होप फॉर द बेस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इन द वीडियो। हम लोग छाती कह रही हूँ अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बारिश है। लैपटॉप बैग तो आगे रख लेते हैं ना तुम्हारा और मेरा, ठीक है, चलो। और ये काली के बच्चे हमारे पीछे पीछे आगे, आओ बाहर नहीं आना है, उसी में रहना है, ठीक है, वापस जाओ, वापस जाओ। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं और हम 9 मिनट लेट हैं अर्जुन, पता है हमें करेक्ट 6 बजे निकलना था, इट्स 6:09 एनी वे, बट मेरे को कॉल लेनी है यार, मेरे 10:30 बजे कॉल है, वो मैं यहीं गाड़ी से ले लूँगी, और उसके बाद क्या पहले बोलते हैं पहुंच जाएंगे। हम पहले पहुंच जाएंगे शायद, है ना, कोई ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि हम ब्रेकफास्ट तो करके ही आए हैं। और हमारा होटल है यहाँ से कितने दूर है? 120 किलोमीटर। हाँ चलो। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग पठानकोट में एंटर, नहीं पठानकोट भी आए नहीं है, 20 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब अभी से ही, और अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, काफ़ी तेज़ है बारिश, है ना। तो पठानकोट क्या है ना, मतलब हिमाचल के पास है, तो अगर ज़रा भी वहाँ पे कुछ ऐसे हवा चलती है कुछ होता है, मेरे को मम्मा ने भी पहले बताया था कि फिर पठानकोट में बारिश हो जाती है। और मेरे को हाँ एक और चीज़ बतानी थी कि मतलब अर्जुन ने जो ड्राइविंग है वो अभी आई गेस अप्रैल से स्टार्ट की है ना, उससे पहले अर्जुन ने फेब में गाड़ी ली थी और फिर सीखी थी और फिर स्टार्ट की थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि अर्जुन हिल स्टेशन ड्राइव करके जा रहा है। अर्जुन ने बारिश बंद भी कर दी, तो बारिश बंद भी हो गई। हाँ यार रुक गई बिल्कुल, है ना। तो अर्जुन पहली बार ड्राइव करके जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं मम्मा वगैरह सब बोल रहे थे, मैंने भी बोला कि ध्यान से चलाना हिसाब से, और फिर मैं सीख लूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं ड्राइव करके जाऊँगी, ठीक है। तो मैं ना अर्जुन पहली बार ड्राइव करके जा रहा है, और ही इज़ न्यू, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मतलब मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो फिर कुछ नहीं, बस मैं रोड देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, अभी डलहौजी पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, और ये रास्ता थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर जा रहा है, स्लोप आता जा रहा है,
ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा मैप है, ये अपन है और ये हम जा रहे हैं। और एक गौ माता है जो कि रास्ते में आई। यार अभी मैंने अपनी गाड़ी का गेट ना बहुत तेज़ मार दिया। अर्जुन कह रहा अपनी है, किराए की नहीं है। तो अभी हम लोग डलहौजी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बस 20 किलोमीटर रह गए। तो हम रास्ते में रुके हैं, फ़ोटो सेशन करने लगे हैं। इधर थोड़ी इधर है ना। सो फाइनली हम होटल पहुँच चुके हैं और ये है हमारा होटल, होटल माउंट व्यू। अर्जुन जल्दी आ गए ना, थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। तरह एक बीच में डिटोर ले लिया ना हमने। हाँ एक बीच में डिटोर ले लिया। This is reception. Desire set my heart afire. हाँ जी, तो हम लोग होटल आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो चेकआउट टाइम है वो है यहाँ का 12 बजे, हाँ, और चेक इन 1 बजे। लेकिन हमारा ऑफिस है और द टाइम इज़ 9:30। तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ ट्राई करो कि जल्दी से आप चेकआउट अगर कोई जा रहा हो तो क्लीनिंग करके हमें रूम दे दो। तब तक हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं, अपना चाय वाय पीते हैं। और लेट मी टेल यू गाइस, द होटल इज़ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे से। अभी तो खैर मैं गई नहीं हूँ रूम में, रूम में जाके दिखाऊंगी। अब सो मैं ना आपको होटल का और रूम तो भी मिला नहीं, उसका टूर बाद में कराऊंगी। और यहाँ पे अर्जुन का काम स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट अभी तो मेरा भी होगा। मैं बस लैपटॉप ओपन करने जा रही हूँ। पहले चाय पी लेता ना, रेस्टोरेंट है, पहले चाय पी लेते हैं फिर काम करते हैं, है ना। चाय पीते हैं फिर काम करते हैं। सो फाइनली हमें रूम मिल गया है, मतलब इन्होंने बोला अवेलेबल है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने नहीं गए, हमने कहा पहले रूम में चले जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं फिर जाएंगे। तो अभी हम अपने जस्ट रूम में एंट्री करने लगे हैं। तो आप लोग देख सकते हो आते ही सामान निकल आया, स्पीकर, चार्जर, केबल, पावर बैंक और ये मेरी किट और ये लैपटॉप। और अभी हम करेंगे काम शुरू। सो फाइनली हमारी चाय आ चुकी है और ये बहुत मीठी है, ज़्यादा मीठी है। अरे यार, ये हमारा ऑमलेट और ये हमारे सैंडविच जो हम घर से लाए थे। सो गाइस फाइनली हम हैं होटल टूर पे, ठीक है। तो हाँ, होटल टूर क्या होता है? होटल टूर मतलब मैं होटल दिखा रही हूँ। तो जो हमारा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है वहाँ पे, ठीक है। ये अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और सामने का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ऐसे बादल नीचे पहाड़ों पे आए हुए, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ये इनका ऐसा है सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ, यहाँ से गार्डन से निकल के। ये है हमारा रिसेप्शन। सो फाइनली गाइस, मैंने और अर्जुन ने WFMB एक्सपीरियंस कर लिया और ये हमारे लैपटॉप रखे हुए हैं। और व्यू तो आपको पता ही है यहाँ का कैसा है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, मतलब और ज़्यादा कंसंट्रेशन बन रहा है। अच्छे अच्छे सॉन्ग्स चला रखे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। यार हम चाय भी मंगवा लेते हैं ना, सुबह वाली उतनी अच्छी नहीं थी चाय। सेम ही मिलेगी ना, बाहर जाके पीएंगे तो इनको बोलेंगे अच्छी दें अदरक इलायची डाल के, तुलसी तो पता नहीं होगी नहीं यहाँ पे। ऐसे बोलूँ मैं, गाइस अभी हो रहे हैं 3:30 बज रहे हैं और हम एक लंच ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम खाना खाने जा रहे हैं यहाँ पे, सुभाष चौक है ना अर्जुन, कोई सुभाष चौक है वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने अभी सर्च किए थे पंजाबी रेस्टोरेंट्स, तो हम वहाँ खाना खाने जा रहे हैं। मोटर रुको, गीला होगा? बेटर है इसमें, फोटो खिंचवाऊंगी जब मैं वापस आएंगे। एक नई चीज़ मिल गई आपको? Yes, तो ये क्या है? रेजिडेंस, घर है उनका। किसका घर है? होटल वालों का।
उनका घर बना और क्या। तो गाइस ये हमारे होटल से बाहर निकलते ही बस स्टैंड है और हमें जाना है इस तरफ। इस तरफ है अर्जुन सुभाष, एक बार मैप पे चेक कर लो, मैप पे चेक कर लो एक बार। ये यार ये मुझे अर्जुन दूसरा लैंड और लग रहा है। स्लोप ही खत्म नहीं हो रहा है। पहाड़ों पे स्लोप खत्म मांग रहे हो यार। गुरुदासपुर चले। चलो यार। सो फाइनली गाइस हम सुभाष चौक आ चुके हैं और यहाँ से लिटरली देखने वाला व्यू है। और ये है हमारा सुभाष चौक और ये सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर और ये है हमारा यहाँ से व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नहीं पहले मैगी खा लेते हैं। नहीं पहले खाना खाएं। यहाँ से हाँ यहाँ से जाना है। तो मैंने एक रेस्टोरेंट देखा था शेरे पंजाबी, पंजाबी रेस्टोरेंट, तो अभी हम उसमें जा रहे हैं। मोटर साथ लेके चलो मुझे। तो ये आ गया हमारा रेस्टोरेंट। सुनो ओल्ड शेर पंजाब और शेर पंजाब रेस्टोरेंट दो हैं, कौन से में जाना है? सेम है दोनों। तो हम लोग आए हैं ओल्ड शेर पंजाब रेस्टोरेंट में। अरे यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, सिर्फ हम ही आ गए। तो भाई हमारा खाना आ गया है, सिरके वाली प्याज, मिक्स रायता, दाल और रोटी। सादा जीवन, उच्च विचार, नहीं अर्जुन? और अभी हम लोगों ने खाना खा लिया शेरे पंजाब में, ठीक है। खाना सही था, नॉट वाओ, नॉट बैड, ओके ओके था। और अभी जैसे हम चढ़ के आए थे ना तो अभी स्लोप डाउनवर्ड है तो मुझे उतरने में मज़ा आ रहा है। तो जो हमने खाया है वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जाके हम ग्रीन टी भी आएंगे, ठीक है। सो गाइज मैं जस्ट अभी काम ही कर रही थी और मुझे आवाज़ आई तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और वो भी इतनी तेज है एकदम। अर्जुन बोटो गाइज मुझे एक बच्ची मिली है, आपका नाम मीरा शर्मा है? महीरा। और आप जम्मू से आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी ओपन। यूकेजी में? आपकी आईज बहुत सुंदर है, पता है आपको? कोई बोलता नहीं है? किसी ने भी नहीं बोला? कितनी तो सुंदर है, किसी ने भी, मम्मा भी नहीं बोलती? नहीं मम्मा तो रूम है। तो बोलती नहीं है कि आपकी आईज सुंदर है? उनको जाके पूछना क्या मेरी आईज सुंदर, दीदी बोले। और आपके हेयर दिखाओ, आपके हेयर भी लंबे हैं, आपके बाल भी सुंदर हैं। किसके साथ आए हो यहाँ पे? मौसा के साथ। मौसा मौसी और मम्मा पापा? अच्छा आप अकेले हो, आपका कोई भाई बहन भी है? हाँ मेरी दीदी है। दीदी बड़ी है? चलो क्या कर रहे हो आप, घूम रहे थे? हाँ। ऐसी ऐसी? हाँ मुझे दीदी बुला रही है। चलो ठीक है बाय। हाँ जी। यार पता है क्या, हम ना रूम से बाहर बंद हो गए हैं और जो कि मेरी वजह से, क्योंकि एक बार हम रूम से बाहर आते हैं तो फिर वो लग जाता है, तो मैं लग जाता है, लॉक हो जाता है। तो ये बताओ ना लग जाता है, वो लग जाता है यार मतलब रूम लॉक हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ कि या तो इसको लॉक को ऐसे कर दूँ, तो अर्जुन हमेशा ऐसे करता, बेल नहीं मारता। मैं दो बार रूम लॉक करती हूँ फिर वो मास्टर की देने आते हैं और फिर हम खुलवाते हैं। अभी फिर से ऐसा हुआ, अर्जुन ने कहा बारिश आ गई, बारिश आ गई, मैं जल्दी से बाहर आ गई, मैंने देखा ही नहीं कि मैं लॉक को ऐसे कर दूँ और फिर से रूम बंद हो गया और वो मास्टर की अब लेने गए और हम 5 मिनट से बाहर खड़े हैं। अब की बार तुम करके आना अगर मैं भूल जाऊँ तो। क्या अगले 4-5 दिन मुझे ये सब नाटक नहीं चाहिए। मैंने लॉक ही तोड़वा देना अभी उनको, बोल के ना कि ये झंझट ही चाहिए, कुंडी वाला सिस्टम तो। नहीं उनको बोलते हमारे रूम में से लॉक हटाओ, कुंडी वाला सिस्टम दो, हम लॉक के लायक नहीं है, या फिर उनको बोलो मास्टर की दे दो हमें, ताकि जब भी लॉक भी अंदर छोड़ देंगे हम। फाइनली खुल गया, बंद हो जाएंगे, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा ना। आपको नहीं करना तो दूसरे नीचे से वो लगाना पड़ेगा, ये वाला ना ऐसा छोड़ना, ऐसा छोड़ना पड़ेगा ना, ये तो कर ही दे नहीं तो बंद हो जाएगा, बाहर से बंद हो जाएगा, अंदर से वो तो अंदर से तो है ही। तो सुनो अब मैं बाहर जाऊं तो ये करके जाऊं, बाहर ही नहीं कार्ड साथ में लगाऊंगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। सुनो अर्जुन अभी ऐसे करोगे तो ये रुक जाएगा, तो ये रहा रुक जाएगा, बंद नहीं होगा। अच्छा तो मुझे अब जब भी बाहर जाना है, जैसे मैं बाहर जा रही हूं तो ऐसे खोलूं फिर ऐसे करूं और फिर बाहर जाऊं, नहीं वरना लॉक हो जाएगा फिर से। ठीक है। यस गाइज गाइज तो अभी हो रहे हैं शाम के 7:30, ठीक है, और अर्जुन का भी काम नहीं खत्म हुआ
और मेरा भी काम नहीं खत्म हुआ, मेरा भी लैपटॉप खुला हुआ है ना। और मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो हम सोच रहे हैं पहले काम ही ख़त्म कर लें फिर हम घूमने जाते हैं। लेकिन अभी 7:30 बज चुके हैं तो हम देखेंगे अगर कहीं जाएंगे। और जैसे कि जो हमारा होटल है उसमें नीचे म्यूज़िक चल रहा है, डीजे लगा हुआ है, तो शाम को ऐसे बॉनफायर होता है, पार्टी होती है, तो हम सोच रहे हैं वहीं पर इंजॉय करेंगे। तो अभी हमने ना फिर यहीं पर चाय मंगवा ली। हमने क्या मंगवाया? स्प्रिंग रोल। यस, स्प्रिंग रोल और चाय। तो ये व्यू है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, मौसम काफ़ी ठंडा है। इधर बॉन फायर हो रहा है, सॉन्ग चल रहे हैं। बॉन फायर दिख रहा है ना इधर से? वाओ, सो दिस इज अ व्यू ऑफ इवनिंग गाइस। सो ये हमारे होटल का शाम का व्यू। क्या चल रहा है होटल? और यहाँ अर्जुन का मन नहीं भर रहा है। अर्जुन पहले अपने पसंद के सॉन्ग वहाँ जाके चलवा रहा था, अभी उन भैया का फोन ही ले आया और प्ले कर रहा है। मेरे लिए प्ले कर रहे हो तुम? सारे डेडिकेटेड आपको। सारे डेडिकेटेड आपको। आई लव यू अर्जुन। कौन सा सॉन्ग है? कौन सा सॉन्ग है पता नहीं, अभी म्यूजिक आया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार मोटो। कौन सा है? समझ नहीं आते। हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। मैं सुबह सो कर उठ गई, ब्रश कर भी कर लिया, अर्जुन जा रहा है ब्रश करने। और यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम जो है जिस होटल में हम रुके हैं, अच्छा होटल मैंने आपको दिखा दिया था बट नाम नहीं बताया था। वैसे मैंने दिखाया था, तो द होटल नेम इज़ होटल माउंट व्यू और ये डलहौजी में है, बस स्टैंड के पास, ठीक है। तो मेरे को अपने रूटीन पे वापस आना है, तो यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम है 8:30 से 10:30। तो मैंने अर्जुन से बोला कि पहले मैं एक्सरसाइज करूँगी फिर हम जाएंगे, तो पहले मैं एक्सरसाइज करूँगी अभी 20 मिनट्स, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। और फिर 10 बजे से तो हमारा ऑफिस ही स्टार्ट हो जाना है। गुड मॉर्निंग डलहौजी, और ये है हमारी व्लॉगर जो कि बहुत खूबसूरत है। क्या कर रहे हो? मुझे शूट करी जा रहे हो? यस, कितना सुंदर हुआ है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और ये है हमारा मॉर्निंग का व्यू, आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत खूबसूरत है। नहीं अर्जुन, मुझे शूट करी जा रहे हो? यस, कितना सुंदर हो रहा है।